और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, एटीआरसी के नजदीक ग्रेनेड हमला हुआ है, 5 लोग घायल हुए हैं। मौके पर सुरक्षा बल तैनात है, मुस्तैद हैं, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। ग्रेनेड हमले में अभी अपडेट हम तक पहुंची कि 10 लोग इसमें घायल हुए हैं, इलाके की घेराबंदी की गई है। मेरे सहयोगी सरोज कफिल इस वक्त जुड़ गए हैं। सरोज, क्या अपडेट, क्या जानकारी है हमले को लेकर? जी बिल्कुल, 10 लोग जो हैं उनकी अभी कॉन्फर्मेशन आई है SMHS हॉस्पिटल में, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें से 4 लोग जो हैं उनको ऑलरेडी घर जाने को कहा है और बाकी जो 6 हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। माइनर इंजरीज है, हालांकि कोई सीरियस इंजरीज नहीं है, लेकिन जो अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है वो 10 की है। और उसके बाद आपको बताऊँ, अभी यहाँ पर CRPF के IG जो हैं वो भी पहुँचे हैं और ये जो पूरा इलाका है अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। हालांकि लोग आप देख पा रहे होंगे दृश्यों में, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनको निकलने दिया जा रहा है आराम से यहाँ से। लेकिन अभी जो यहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं IGP के, भी ये देख रहे होंगे आप कि उनकी एक मीटिंग चल रही है इस वक्त, जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरीके से अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो SP हैं या DSP हैं वो भी सब इस वक्त मीटिंग में हैं, क्योंकि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो जॉइंटली सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ऐसे मामलों को सुलझाते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मीटिंग एक चल रही है इम्पॉर्टेंट, और इस मीटिंग के बाद किस तरीके से आगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, इस पे आगे जायजा लेंगे, या कोई सोशल मीडिया हैंडल जो है ट्विटर, उस पे किस तरीके से आगे बयानबाजी होगी वो भी पता लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद दिलाएं कि देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी आतंकवादी गुट नहीं है जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली हो। हम अक्सर देखते हैं कि जब ऐसे हादसे होते हैं उसके बाद इमीडिएटली जैसे TRF एक ऑफ शूट है लश्कर का, वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं या कोई भी हो, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है और किसी आतंकी गुट ने अभी तक एटलीस्ट इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। सरोज, इस आतंकी हमले की टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल है और यहाँ से कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही कि क्या चाहता है पाकिस्तान, क्या चाहते हैं ये दहशतगर्द, उनके आका क्या चाहते हैं। कल ही जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र, पहला सत्र होगा नई चुनी सरकार का, उससे पहले ये आतंकी हमला। बिल्कुल, देखिए 8 साल बाद जो एक ये डेमोक्रेसी का त्यौहार इस बार पूरे देश ने देखा, जो जम्मू कश्मीर से मना और वो पूरे देश ने देखा, वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उनको रास नहीं आ रहा है। जैसे हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी, इतने पीसफुल तरीके में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, फिर असेंबली इलेक्शंस और कितने बड़े जितने भी इवेंट्स होते थे, आप देखिए G20 हुआ, तिरंगा रैलीज थी, मैराथन हुए यहाँ पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो यहाँ पे इवेंट्स हुए और उसमें आप देखिए किस तरीके से पार्टिसिपेशन रही लोगों की। अब देखिए कहीं ना कहीं एक फेयर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है। ठीक असेंबली से एक दिन पहले जहां 8 साल बाद असेंबली शुरू हो रही थी, लोगों को एक उम्मीद की थी उन्हें, उनके चुने हुए जो MLAs हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन आगे न सिर्फ अब जम्मू कश्मीर तक बल्कि पूरे नेशन तक पहुंचाएंगे, और उससे ठीक एक दिन पहले इस तरीके का ये हमला, और उससे एक दिन पहले कल भी आपने देखा शहर खास खानियार में जो अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान एक इंडिकेशन दे रहा है कि क्योंकि अब वो अगर देखें तो पूरी तरह से यहाँ पर एक लार्ज एक्सटेंट तक उनकी जो एक्टिविटीज़ है यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हैं और जो यहाँ का पीस है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ठीक असेंबली से एक दिन पहले। अब देखिए जिम्मेदारी जो है आगे, हमारी अभी भी बात हुई थी कि जब कल असेंबली का ये सेशन शुरू होता है तो इसमें 3 मुद्दे जो हैं जिन पर सुना जा रहा था कि डिस्कशन होगा। एक 370 है, स्टेटहुड है, और जो दरबार मुंह होता है जम्मू श्रीनगर जम्मू का, तो वो छोड़ के अगर इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, भले ही फिर वो ऑपोजिशन हो या प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, वो मिलकर यूनानिमसली सबसे पहला मुद्दा जो सिक्योरिटी का उठाए और अपने पॉलिटिकल वेंडेटास को पीछे छोड़ के, 370 स्टेटहुड या दरबार मुंह के मुद्दे को छोड़ के, इन 5 दिनों के लिए पहले सेशन में पर्टिकुलरली सिक्योरिटी और लोगों के हित के लिए बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद जो वो वोटर था उसको भी एक आश्वासन मिलेगा कि हमारी बात सुनी जा रही है, ना कि सिर्फ इस असेंबली में एक सियासत खेली जा रही है। तो उम्मीद यही रहेगी कि कल जब असेंबली स्टार्ट होगी किस तरीके से सियासत की शुरुआत तो इस हमले के साथ हो भी गई है। तमाम सियासी दल ये आरोप लगाए, चाहे NCA हो, कांग्रेस हो, तो ये आरोप लगा रहे कि केंद्र की जिम्मेदारी है, सुरक्षा का जो जिम्मा है वो यहाँ पर केंद्र के पास है, और ऐसे हमले होते हैं तो यहाँ पर सख्ती दिखानी होगी, एक्शन लेना होगा, बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। देखिए वो सही है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की सुने तो अगर उनको उनके पास ये डिटेल्स नहीं रहती है, उनके पास ये सूझबूझ नहीं रहती है सब लोगों के पास कि अगर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ UT है तो सारी जिम्मेदारी
डिफेंस या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ आते हैं, लेकिन जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो इसमें आपको एक साथ मिलके काम करना होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप ऑपोजिशन में खड़े हैं इस वक्त या आप एक पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाए हैं। आपने 35 साल यही चला है यहाँ पे, यहाँ के लोग परेशान थे। अब पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं लोगों को सुकून मिला था। इस तरीके के जो इवेंट्स है जिसके अभी हम बात कर रहे थे उनमें पार्टिसिपेशन हो रही थी, लोग खुल के बाहर आते थे। अब यहाँ पे जब हम लोग भी इलेक्शन के टाइम पे कवरेज कर रहे थे, एटलीस्ट हमें ये खौफ नहीं था कि जिस भी बूथ पे हम खड़े हैं यहाँ पे किसी तरीके की गोली या धमाका होगा। तो वो अश्योरेंस तब मिली थी जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या डिफेंस ने पिछले 5 साल में कड़े परिश्रम किए थे, क्योंकि 35 साल के कांटे बोए हुए थे। और फिर आज इस तरीके के ये इवेंट्स होना, इस तरीके के हादसे होना, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सबकॉन्शियस में जो यहाँ के लोग हैं उनमें एक फेयर साइकोसिस तो क्रिएट होता ही होता है। तो अब उसके चैलेंज एक ही तरीका है उस फेयर साइकोसिस को खत्म करने का, जब आपके चुने हुए नेता कल असेंबली में आपको आश्वासन देते हैं कि न सिर्फ हम अपने पोलिटिकल वेंडिडाज को लेके इस असेंबली में बात करेंगे, हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे अपने लोगों की और उनकी सिक्योरिटी की। जी अगर 370 की बात हो सकती है तो सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो सकती? और हम देख भी रहे कि जब से चुनाव हुए हैं सरोज, उसके बाद से ऐसी हरकतें हम देख रहे हैं कि नापाक हरकतें, एक के बाद एक आतंकी हमला हुआ है और साथ में जो मॉड्यूल है, जो स्टाइल है इन आतंकी हमलों का, उसमें गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना और फिर बड़े किसी इवेंट से पहले एक खौफ पैदा करना, दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश करना, गुमराह करने की कोशिश करना कि यहां अमन शांति नहीं है, अभी खौफ के बादल छंटे नहीं है, जबकि हम लगातार पिछले लंबे अरसे से देख रहे थे कि कैसे अमन शांति आई है और लोकतंत्र का महापर्व जो हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव किस तरीके से संपन्न हुए ये पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये इस तरीके के हादसे कहीं ना कहीं जो इनके आका होते हैं वो चाहते हैं कि इस तरीके के हादसे यहाँ पे हो ताकि एक फेयर साइकोसिस, जैसे मैं आपसे कह रहा था, वो पैदा किया जाए। लेकिन देखिए सबसे पॉजिटिव बात इतने बड़े हादसे में ये है कि आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग जो हैं उनकी रुकावट नहीं हो रही, उनको रोका नहीं जा रहा है। जैसे हम पहले भी इस पर जिक्र कर रहे थे कि अगर इस तरीके के हादसे पहले यहाँ होते थे तो करीबन 5 से 6 किलोमीटर की पेरिफेरी जो होती थी उस सब को सीज कर दिया जाता था, मूवमेंट नहीं करने दी जाती थी। आप यहां से ठीक 100-150 मीटर दूर अगर आगे चलेंगे, क्योंकि जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं घटना एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे हुई थी। सरोज आप कोशिश कीजिए किसी लोकल से बात करने की, आपके पास लौटते हैं कि वो उनसे अगर आप बात कर पाए या कोई आई विटनेस है उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास सब तक आते हैं। फिलहाल श्रीनगर से SMHS हॉस्पिटल से आबिद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आबिद, घायलों को यहीं पर लाया गया है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो इस हमले में घायल हुआ है वो बिल्कुल इस हॉस्पिटल में यहाँ पर जेरी इलाज है, उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर पुलिस के टॉप ऑफिसर, अगर हम देखें IG कश्मीर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए उनकी तस्वीर में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, IG साहब से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए क्योंकि जख्मियों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। IG साहब आपके कमेंट, आप देखिए लगातार क्योंकि यहाँ पर जख्मियों को जो घायल हुए हैं इसमें, इस हमले में, उनको यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचाया गया है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर है। तो IG कश्मीर ने अभी अंदर विजिट किया है, अभी वो बाहर लौट रहे हैं और अंदर अब क्योंकि हॉस्पिटल से बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर जो जख्मी हुए हैं, क्योंकि संडे मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर काफी तादाद में आते हैं शॉपिंग के लिए, और वहां पर इस तरह का हमला, कहीं ना कहीं वो जो खौफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आम लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो जख्मी हुए हैं, यहाँ पर क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, और अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है सामने बताया जा रहा है। जो एक छोटा सा अपडेट आपसे चाहिए, 10 लोगों को यहाँ पर लेकर आए थे जो घायल बताए गए थे, कितने लोगों को उपचार के बाद, इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, और जो अभी यहाँ पर एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत फिलहाल कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो SMHS हॉस्पिटल है, यहाँ के अफसरान के मतलब ऑफिशियल्स के मुताबिक यहाँ पर 10 लोगों को यहाँ पर लाया गया है, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कई तरह के रिपोर्ट सामने आए हैं, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट जो डिटेल्स है इस हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे या ऑफिशियल्स की बात करेंगे, फिलहाल 10 अफराद की तस्दीक हुई है, 10 अफराद कन्फर्म है कि वो जख्मी है। फिलहाल जो 10 लोग हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते हैं, उन 10 लोगों का इलाज इस हॉस्पिटल में चल रहा है।